তোর আবার আজকে নটংকি হচ্ছে কেন? তুই খেলি না লেচকাটা? আরো খাবি নেগা? মামা দাও আর একটা দাও। ও ওখানে ওখানে যে রেখে খাবে হ্যাঁ হামেশা ওয়া রেখে খায়। फर्स्ट स्लॉट चाहिए। उधर बाइक खड़ी है अपनी उधर, और अभी जाएंगे दूसरे ट्रैक में, वहाँ पर जाके थोड़ा सा करेंगे टाइम पास। और मौसम का तो ऐसा है हाल कि बारिश गिरने का नाम ही नहीं। वो ऐसा होता है कि आज गिरेगा कल गिरेगा, एक्सपेक्टेशन चलता रहता, बट बारिश क्या गिरता ही नहीं है। तो फिलहाल अभी जाएंगे वो ट्रैक पर, देखते हैं कि बारिश गिरता है नहीं, फिर जाएंगे घर। आज भी ओरकम केस कर दे कोशिश जरूर कर लो ना। ओके ओके चा चा আজকে তো আমরা কখন জানি না, কখন একটা অর্ডার করেছে একটা চা খেলো তোমাদের উঠে চলে গেল। ये डॉगी आ गया है बिस्किट खाने। दो पहले एक पैकेट, दो पैकेट नहीं है कल के दिए देवे। अब देखो कैसे खाएगा। फोन करे ने बिना ने তোর আবার আজকে নটংকি হচ্ছে কেন? যা তুই খেলি না লেচকাটা? আরো খাবি নেগা? মামা দাও আর একটা দাও। ও ওখানে ওখানে যে রেখে খাবে হ্যাঁ খুশি হলেই লেন না, হামেশা ওয়া রেখে খায়। আর ওরা খাওয়া ওটা আর রেখে গেলে লেজ এই ইসকো বলো মত। না 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 ठेक से आते आते आज मुझे अप्रॉक्सीमेटली 3:30 बज गया। बहुत दिनों के बाद मैं इतना देर तक बैठा, क्योंकि यूजली तबीयत खराब होने की वजह से ना मैं बहुत जल्दी जल्दी चले जाता था, बट आज जो है थोड़ा सा वहाँ पर बैठा, बैठ के हम काफ़ी सारे बातें बातें किए। और जो डॉग को जो बिस्किट खिलाया था वो जब भी बोला जाते हैं उनको खिलाती है, और वो भी कितने सुनते हैं ना। एक्चुअली बहुत बार ऐसे होते हैं मैं फुटेज जो है कर नहीं पाता हूँ, तो आप देखोगे कितना मज़ा आता है जितना जब वो बोलता है खा बिस्किट, वो खाते हैं फिर लेके जाते हैं वापस आते हैं फिर खाते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं भी जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लाइफ हमारा काफ़ी लिमिटेड हो गया। छुट्टियों के दिन कोई भी मज़ा रहता नहीं है। सुबह बाज़ार वगैरह जाओ, उसके बाद ठेक में जाओ, वही एक ही ठेक मामा चाय का दुकान या फिर शंकर का चाय का दुकान, शाम को भी वही हिसाब है या फिर चाइनीज़ कॉर्नर या फिर शंकर की दुकान। तो काफ़ी लिमिटेड आ रहा है। अभी वेट कर रहे हैं कि प्रियंदा कब गाड़ी ले, अगर वो गाड़ी लेते हैं तो फिर प्लान्स वगैरह हम करेंगे किधर किधर सैटरडे संडेज वगैरह किधर जाने का, नए नए जगह एक्सप्लोर करने का। तो फिलहाल मैं भी रेडी हो गया हूँ, निकलता हूँ बाहर, फिर देखते हैं कि बाहर क्या होगा। ये है हमारे चाय का दुकान शाम के टाइम पे, ये हो रहा है ठेक, सब ठेक बैठे हम लोग। बस करेंगे हम रात के 9:30 बजे, फिर जाएंगे घर। 2 hours later मैंने एक डायलॉग सुना था ना, रिस्क में ही बरकत है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क आपको उतना ही लेना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क जो आप संभाल सको। अब जैसे कि न्यूज़ में देखा था टाइटन जो आई थिंक टाइटनिक के रैक को जो है मतलब जो पानी में डूबा वो देखने के लिए वो उतरा था, जबकि 12,000 फीट में कुछ था जो समुंदर तल में जो है टाइटनिक जो पड़ा हुआ है। और एज़ पर कहते हैं कि नेवी वाले जितने भी सबमरीन बनाते हैं वो मैक्स टू मैक्स जो है 5,000 तक जो है, वो एक रशिया का ही खाली एक सबमरीन है उनके सबमरीन से जो है 5,000 तक डाइव लगाते हैं, बट इन लोगों ने जो है एक नॉर्मल सा टुच्चा सा एक सबमरीन बना के इन्होंने डेयर किया 12,000 फीट में उतरने का। अल्टीमेटली क्या हो गया, इंक्लूजन जो है उसका हो गया। अब ये हो गया न्यूज़ में आ रहे कि सारे निकल गए ऊपर, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ होता है ना कि जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो चीज़ के पीछे जाना नहीं है, कोशिश हम कर सकते हैं, बट ये कोशिश यूजली सुसाइड ही था, क्योंकि इसमें और कोई चारा नहीं था, क्योंकि 12 तक आप जा नहीं सकते ऐसे, क्योंकि बड़े बड़े सबमरीन से अगर वो नहीं जा पाते तो ये तो फिर भी एक छोटा सा काइंड ऑफ टॉय काइंड ऑफ थिंग था। तो ये चीज़ है, तो उतना ही रिस्क करो जितना आप सह सको और झेल सको। ये इसका पूरा एक एग्जांपल है जहां पर आप विदाउट एनी कैलकुलेशन विदाउट एनी कुछ भी चीज़ आप उतर गए और रिज़ल्ट क्या हो गया, आप गए। कभी कभी ऐसा लगता है गाइस की लाइफ जो है ना यहाँ पर हमारा लिमिटेड हो गया है, जहाँ पर वो एक ही चीज़ रोज़ रोज़ जो है वो चलता है, एक ही जगह जाना, रूटीन जो है वो एक जैसा ही हो गया है, जहाँ पर संडे के दिन उठ के सुबह बाज़ार जाना, बाज़ार जाने के बाद ठेक पे जाना, वही एक ठेक हमारा मामा जो चाय का दुकान है वो, और एक ठेक है जहाँ पर शंकर दा के चाय की दुकान में हम जाते हैं यूजुअली,
वही ठीक है। और यहाँ पर ऐसे होता ना कि हम लोग उतना समय भी नहीं मिलता कि हम कहाँ पर जहाँ पर राइड पर जाए कि जल्दी जाके घूम के क्या, क्योंकि उतना जो है एनर्जी भी रहता नहीं, क्योंकि यहाँ का जो गर्मी वेदर इतना डेंजर है ना, आपको पूरा बिठा देता है, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, ऐसा हालत वो कर देता है। तो एनी हाउ उस हिसाब से हम मैनेज करते हैं, उस हिसाब से हम चलते हैं, और राइड जो है ज़्यादा मिलता नहीं है, अभी देखते हैं धीरे धीरे कोशिश करेंगे थोड़ा सा राइड वगैरह करने का, ऐसे ही हमारा दिन जो है वो गुजर जाता है। सो ये एक छोटा सा चीज़ था जो मैंने आपको दिखाया। सो यार यही कहूँगा, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो, एटलीस्ट 3 मिनट 2 मिनट वीडियो वॉच टाइम मुझे देखे जाओ और शेयर कर दो वीडियो को। सो ऑन दैट नोट इस वीडियो को यही पर समाप्त करता हूँ। एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक केयर, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज ट्रेंड सेटर रणवीर।